जब दिन एकदम सामान्य हो और कोई सामान्य सी लड़की आपके बगल में खड़ी होकर कोल्ड ड्रिंक पी रही हो, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसकी कमर में तमंचा होगा। पर ऐसा मैनपुरी में हुआ है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जेल चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कोल्ड ड्रिंक पी रही एक युवती ने अपनी कमर में तमंचा लगाया हुआ था। कोल्ड ड्रिंक पीते समय युवती पर स्पॉट टीम की नजर पड़ी, उन्होंने युवती की तलाशी ली। मामला एकदम चौंकाने वाला था क्योंकि युवती के पास देसी तमंचा मिला जो उसने अपनी कमर में खोसा हुआ था। पुलिस ने एहतियात बरतते हुए कैमरे के सामने युवती की तलाशी ली। महिला सिपाही ने युवती की तलाशी के बाद उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे सदर कोतवाली पहुंचाया। उस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, देखें पूरा वीडियो। निकालो 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 तुम्हें। चलो स्वाट टीम के प्रभारी ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के जेल तिराहे पर उनकी टीम मौजूद थी, तभी एक युवती पर उनकी नजर पड़ी जिसने अपनी कमर में तमंचा लगाया हुआ था। इसको देखते ही तुरंत वहां महिला पुलिस को बुलाया गया और महिला पुलिस ने जब तलाशी ली तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। इस पूरे मामले में युवती को फिलहाल आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। युवती ने पूछताछ में बताया कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है, उसका नाम करिश्मा पूरन सिंह है और वो फुलवारी थाना दक्षिण फिरोजाबाद की रहने वाली है और यहाँ अपने फूफा के यहाँ रहती थी। उसने बताया कि उसके परिवार के लोगों की हत्या हो चुकी है और अब उसकी भी हत्या कर उसके परिवार के दूसरे सदस्य जमीन हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए तमंचा लगाकर चलती है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया है और युवती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।